करके आपदा के प्रभावित किस तरह से सहायता कर पा रहे हैं आप? हम दोनों तीनों तरह से सहायता कर रहे हैं। राज्य शासन ने 3 हेलीकॉप्टर भी व्यवस्था कर ली है, वो अभी दोपहर से उनका काम प्रारंभ हो जाएगा। 3 स्थान उसके लिए हम लोगों ने तय किए हुए हैं, बद्रीनाथ, गौरीकुंड और एक और काशी, वहाँ पर हमारे हेलीकॉप्टर जाएंगे। हमारे बंदे भी हम हेलीकॉप्टर बिठाकर यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, वो वहाँ पूरे समय मौजूद रहेंगे, लोगों की लिस्टिंग करेंगे, जो तत्काल सहयोग सामग्री हो सकती है वो भी वहाँ पर करेंगे। हमको यहाँ से भोजन व्यवस्था में बड़ा सहयोग मिल रहा है गायत्री परिवार से, तो वो भोजन के पैकेट भी हम लोग वहाँ पर पहुँचाएँगे, पानी भी वहाँ पर पहुँचाने की हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश में हमारी टीम है, बसों के माध्यम से या निजी वाहनों के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं ऋषिकेश में, हम उनको रिसीव कर रहे हैं। और सबको मध्य प्रदेश भर में सबको ये सूचना दी हुई है कि यहाँ शांति कुंज में वो पहुँचे, यहाँ मध्य प्रदेश का राहत का कैंप लगा हुआ है, तो वो लोग ज़्यादातर यहाँ आ भी रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है उनको हम पैसा देने की कार्रवाई कर रहे हैं, टिकट की व्यवस्था कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। और है जो यहाँ पर जो जौली ग्राउंड जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी हमारे लोग तैनात हैं, वहाँ हमने बैनर भी लगाया हुआ है, लोगों से वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जो लोग हमारे बीमार हैं उनकी भी चिंता हम लोग लगातार कर रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में भी हैं वहाँ जा करके देख रेख कर रहे हैं, वहाँ पर उनको पैसे का सहयोग भी कर रहे हैं। और अस्पतालों का अगर हमारे सहयोग की आवश्यकता लग रही है, आर्थिक और कोई दिक्कत है, उसके लिए भी हमने उनको बोला हुआ है। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के लोग इस आपदा में फंसे हुए हैं, सरकार उनके लिए चिंतित है और हम पूरा लगभग 20 लोगों का पूरी टीम मेरी भोपाल से आई हुई है और यहाँ के पूरे हमारा गायत्री परिवार से पूरा पूरा वॉलंटियर हमको मिले हुए हैं, उनका पूरा हमको सहयोग मिल रहा है। और बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं जो परिजनों को तलाशने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश आ गए हैं, वो लोग भी यहाँ हमारे सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। मंत्री जी, कितने लोगों के फंसे होने की संभावना है मध्य प्रदेश के? अभी जहाँ तक समाचार मिल रहा है लगभग 2000 लोग मध्य प्रदेश के अभी भी फंसे हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि कुछ रास्ते सड़क के चालू हुए हैं, तो जो बीच रास्तों में कहीं कहीं किनारे किनारे पर फंसे हुए थे वो धीरे धीरे करके पैदल चल करके फिर अपनी गाड़ी तक आ करके किराए से गाड़ियाँ कर करके वो लोग यहाँ आते जा रहे हैं। 24 घंटे हम लोग लगातार उपलब्ध हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि 3-4 दिन तक ये आवश्यकताएं लगेंगी और हम लोग यहां डटे रह करके सबकी चिंता करते रहेंगे। कितने लोगों को आपने वहां से सक्सेसफुल निकाला है? अभी जो निकले हैं, हमारे हेलीकॉप्टर नहीं थे इसलिए, तो वहां के हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो निकल के आ रहे हैं वो संख्या भी सैकड़ा से अधिक है। और वाहनों से जो चल करके आ रहे हैं वो तो हजारों की संख्या हो गई है और अभी भी लगातार चले ही आ रहे हैं। और अब आज रात से आना प्रारंभ हुआ है, अभी हमारे विधायक जी जानकी चट्टी पे फंसे हुए थे, वो भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। नीमच के कार्यकर्ता यहाँ आए थे, नीमच के लोगों को हम लोग ट्रेन का किराया वगैरह भोजन वगैरह सब करा करके यहाँ से रवाना कर रहे हैं। खरगोन के आए, उज्जैन के आए, जगह जगह से लोग चले आ रहे हैं। और 24 घंटे टेलीफोनिक संपर्क हमारा, क्योंकि हमने भोपाल में भी कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, हम लोग जो यहाँ पर हैं वो पूरा हमने टेलीविज़न के माध्यम से पब्लिश भी टेलीफोन नंबर किए हुए हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड भी हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। और यहाँ का जो आपदा प्रबंधन विभाग है उससे ही मेरे अधिकारियों की टोली लगातार संपर्क किए हुए हैं। आपदा प्रबंधन में आपके कई कुछ अधिकारी भी लगे हुए हैं मध्य प्रदेश? हाँ, लगे हुए हैं ना, हमारे IAS संजय गोयल जी यहाँ पर हैं, IPS प्रमोद वर्मा जी हैं, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, ADM स्तर के कई सारे लोग हैं, इनका 20 लोगों की हमारी टीम है और हम इसमें लगे हुए हैं। और विपत्ति है लेकिन भगवान कृपा से इस विपत्ति से निपटेंगे। मैं जनसंपर्क से हूँ। जी 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 इसका हमें अभी भोपाल भेजनी होगी। ये आपका चला जाए क्षेत्र नहीं, ठीक है, वो दिख रहा है पूरा पिछले आठ। हाँ, मिशन माने पूरा क्या बोल, शांति कुंज ने कैसा सहयोग किया मध्य प्रदेश शासन को? हाँ, शांति कुंज की अपनी एक छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ से लगातार जुड़े रहे हैं और जैसे ही विपत्ति आई और मुख्यमंत्री जी निर्णय किया कि हमको यहाँ पर अपना कैंप स्थापित करना चाहिए, पूजनीय पंड्या साहब से मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई और आप उनने कहा
कि आप अपने दल को भेजिए, हमारा पूरा पूरा सहयोग रहेगा। और कल से सवेरे से मैं यहाँ पर हूँ, भरपूर सहयोग मिल रहा है हमको। यहाँ लग ही नहीं रहा है कि हम मध्य प्रदेश के कहीं बाहर हैं, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में ही हैं। और यहाँ के स्वयंसेवकों का, कार्यकर्ताओं का, अधिकारियों का, सबका भरपूर सहयोग है। और जैसी छवि, जैसा काम, वैसा ही हमको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उन लाखों लाख पीड़ितों परिवारों की तरफ से जिनका संकट है, जिनके ऊपर संकट है, उनकी तरफ से भी। और मैं अपने मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।